आज हमारे पास एक प्रश्न आया है कि भगवान साकार है या निराकार। ये सत्य है कि विश्व दो ध्रुवों में बटा हुआ है। एक ध्रुव यानी एक धर्म कुछ कहते हैं और दूसरे विचारधारा कुछ कहते हैं। इस्लाम कहता है कि भगवान निराकार है, और भी बहुत सारे धर्म निराकार बोलते हैं। हिंदू धर्म के अंदर भी कुछ पंथ ऐसे हैं जो भगवान को निराकार बताते हैं। आज मैं आपको इसका वायुवैज्ञानिक रहस्य, शरीर के अंदर भगवान ने क्या दिया है, भगवान ने शरीर के अंदर कुछ चीजें आकार में हैं, कुछ निराकार में हैं, दोनों की साइंटिफिक जानकारी दूंगा और आज बताऊंगा आपको कि भगवान निराकार है या साकार है। पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि कोई भी जिसका आकार नहीं है, जो निराकार है, वो साकार की रचना नहीं कर सकता। अगर मुझे किसी आकृति का ज्ञान नहीं है, मुझे किसी चित्र का ज्ञान नहीं है, तो मैं वो बना नहीं सकता। बहुत सारे लोग हमारे धर्म के अंदर भी, हिंदू धर्म में भी कुछ पंथ ऐसे हैं जो ये बोलते हैं निराकार है। मैं कहता हूं अगर निराकार है तो आपने जो ABCD की पढ़ाई की वो आपके दिमाग में संचित है आज भी, कि ए ऐसे बनता है, बी ऐसे बनता है, इसका मतलब ABCDE FGH RREE ये आकार में हैं, ये साकार हैं, ये विजिबल हैं। आप जो लिखते हो वो सब साकार में हैं, और जो दिमाग में संचित होता है वो भी आकार में है। इसलिए हमारा जो शरीर है, इसके अंदर जो चित होता है, जो अंतःकरण होता है, उसके अंदर और मेमोरी के अंदर, याददाश्त के अंदर अगर कोई चीज संचित होती है, सेव होती है, तो वो आकार में होती है। हमें यह पता होता है कि हमारे ब्रेन के अंदर वो फाइल कितनी बड़ी है, वो गाना कौन से गायक का है, वो गाना हम याद लाते हैं, हम याद करते हैं। इसका मतलब जो भगवान ने हमारी जो बॉडी बनाई है उसका एक एक चीज, एक एक रहस्य सब साकार में बना रखा है। हमें जो मेमोरी आती है वो सब साकार में आती है, निराकार में कोई नहीं आती। लेकिन कुछ निरंकारी ये कहते हैं, जो निराकार को मानने वाले हैं, वो कहते हैं कि कुछ नहीं है, भगवान निराकार है, आप ध्यान लगाइए आपको ज्योति दिखाई देगी। अगर ज्योति दिखाई दे रही है, जो चीज दिखाई दे रही है, जो विजिबल है, वो आकार में है, वो साकार है। अगर आपको ज्योति भी दिखाई दे रही है, इसका मतलब वो भी कहीं ना कहीं आकार में ही है। उसका छोटा साइज हो सकता है, उसका बड़ा साइज हो सकता है, जिसका साइज छोटा बड़ा हो सकता है वो आकार है। लेकिन इसकी गहराइयों को समझने की जरूरत होती है। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना होता है, ये पार्थिव शरीर है। इस पार्थिव शरीर के अंदर जो पृथ्वी तत्व है वो ज्यादा है, इसलिए विजिबल है, ये साकार दिखाई देता है, ये आकार दिखाई देता है, मेरी उंगली दिखाई दे रही है, मेरा सब कुछ दिखाई दे रहा है, चेहरा भी दिखाई दे रहा है। अगर यही शरीर मेरा वायु तत्व प्रदान हो जाए तो मैं वायु के अंदर रहूंगा लेकिन देखूंगा नहीं, आकाश तत्व में रहूंगा तो मैं देखूंगा नहीं। जल के अंदर अगर मैं मिल जाऊं और जल जैसी आकृति मेरी हो जाए तो मैं दिखाई नहीं दूंगा। अगर अग्नि के अंदर मैं रहूं और अग्नि का ही रूप मेरा हो तो मैं इन आंखों से नहीं देख सकता। ये आंखें उसी चीज को देख सकती हैं जो पार्थिव शरीर में है। इसका मतलब इन आंखों को देखने के लिए भगवान ने साकार रूप बनाया है, प्रकृति को साकार बनाया है। अगर निराकार होता ये सब कुछ, भगवान निराकार होता, ये ब्रह्मांड निराकार होता, तो आंखों की जरूरत ही नहीं थी, फिर तो हम इस दुनिया में रहने का कोई तात्पर्य नहीं था।
हम निराकार की कल्पना इसलिए करते हैं कि आप अंतरिक्ष में सोचते हैं, आप आकाश में ध्यान लगाते हैं, आपको वहां कुछ दिखाई नहीं देता है, इन आंखों को नहीं दिखाई देता है, इस बुद्धि को दिखाई नहीं देता है, जो बुद्धि होती है उसको दिखाई नहीं देती है, जो हमारी रितंबरा बुद्धि है उसको दिखाई नहीं देता है, जो मेधावी बुद्धि है उसको दिखाई नहीं देता है, लेकिन प्रज्ञा बुद्धि को आकाश में भी कुछ दिखाई देता है। इसलिए हमारे जो नेत्र होते हैं ये भी इसी प्रकार के होते हैं, चेतन अवस्था के और चेतन अवस्था के नेत्र और दिव्य नेत्र। जब इन आंखों से कोई चीज दिखाई नहीं देती है, बहुत बारीक चीज होती है, तो फिर हम त्रिनेत्र की आवश्यकता उसको देखते हैं। जब आपको आकाश में कुछ दिखाई नहीं दे रहा तो आप बोलेंगे भगवान निराकार, आपको भगवान तो आकाश में दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि वो आकाश तत्व में है, क्योंकि हर लोक के ऊपर हर मनुष्य का, मनुष्य योनि का जो जीवन है वो अलग अलग रेशियो में होता है, अलग अलग अनुपात में होता है। पृथ्वी लोक के ऊपर अलग है, मंगल लोक के ऊपर भी जीवन है, ये मैंने पहले भी कहा था, आज से 25 साल पहले और आज भी कह रहा हूं, वहां बहुत माइक्रो है, माइक्रो नहीं है, वहां तत्व प्रधान है, ये आंखें उस तत्व को देख नहीं सकती। जब ये आंखें देख ही नहीं सकती उस तत्व को, तो वहां के जीवन को कैसे देख सकती है, उनके जीवन का रहन सहन अलग हो सकता है। अब बहुत सारे जीव जल के अंदर रहते हैं, हमारी आंखें देख नहीं पाती हैं, बहुत सारे वायुमंडल में रहते हैं, हम देख नहीं पाते उनको, इसलिए हम जो दिव्य दृष्टि होती है हमारी, भगवान कृष्ण को, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जब उन्होंने कहा कि तुम मेरे इस रूप को, जो मेरा जो रूप है उसको देखने के लिए आपको दिव्य दृष्टि की जरूरत है, मैं वो देता हूं आपको, जब दिव्य दृष्टि दी तो उन्होंने अपना साकार रूप पूरा दिखा दिया। और वही दिव्य दृष्टि जब संजय को दी वेदव्यास जी ने, तो वो भी दिखा दिया। इसका मतलब यह है, जब योगी, जब मनुष्य, जब साधक ध्यान लगा करके, जब तत्वों पर, अग्नि तत्व, वायु तत्व, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, आकाश तत्व, इन तत्वों को शोध कर लेता है, तो उनके अंदर जो भी योनियां होती हैं उनको वो अवलोकन कर लेता है। इसलिए भगवान आकार में है, अगर वो आकार में ना होते तो उनकी आयु ना होती, क्योंकि ब्रह्मा जी की आयु फिक्स है, भगवान विष्णु की भी आयु फिक्स है, अगर उनकी आयु ना होती तो हमारे पास जो पंचांग है उसके अंदर आयु ना लिखी होती। इसलिए भगवान साकार में है, वो निराकार नहीं है। सोचने वालों के लिए निराकार हो सकते हैं, जो लोग वैज्ञानिक हैं, जो तर्क करने वाले हैं, जो कहते हैं कि मुझे दिखाओ भगवान कहाँ है, दिखाओ मूर्ति में भगवान कहाँ है, वो जो वैज्ञानिक तर्क और जो तर्क सोच होती है उसके लिए। अब मैं कहूं कि मुझे ग्रेविटी फोर्स दिखाओ, ग्रेविटी फोर्स कहां है, कोई दिखा सकता है मुझे? नहीं दिखा सकता। मैं उनको कहूं मुझे ओजोन पर दिखाओ कहां है, वो नहीं दिखा सकते मुझे। इसलिए जब हम किसी चीज को दिखा नहीं सकते, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं विज्ञान के अंदर जिनकी कैलकुलेशंस होती है, उनको दिखाया नहीं जा सकता। इसी प्रकार से हमें बहुत सारी चीजों को देखने के लिए, परमाणु को देखने के लिए, अणु को देखने के लिए, हमें कहीं ना कहीं दूरबीन की जरूरत होती है। उस दूरबीन के माध्यम से हम बहुत सारी चीजों को देख लेते हैं। आप नॉर्मल आंखों से वीर को नहीं देख सकते, उसके अंदर जो जीवित शुक्राणु उनको नहीं देख सकते, लेकिन दूरबीन से देख सकते हैं आप, और वो मनुष्य का निर्माण करते हैं, वो बच्चे का निर्माण कर देते हैं। इसी प्रकार आत्मा का आकार है, लेकिन इतना सूक्ष्म है कि उसको हम, हमारी ये आंखें देख नहीं सकती, हमारी ये आंखें अणु को, परमाणु को, त्रिशेणु को, मातृशेणु को देख नहीं सकती। उसके लिए हमें त्रिनेत्र की आवश्यकता होती है, साधना की जरूरत होती है, एक दिव्य नेत्र की आवश्यकता होती है। इसलिए मित्रों, भगवान को अगर खोजना है तो आपको तप करना होगा, भगवान को अगर प्राप्त करना है, उनके साथ आपको लिंक करना है, तो आपको किसी न किसी रूप में साधना करनी पड़ेगी, आपको पंच तत्व के अंदर जाना पड़ेगा। जब वो तपस्या आपकी पूर्ण होगी, आपके पास ये जो नेत्र हैं, ये जो नेत्र दिव्य नेत्र में आ जाएंगे,
तो फिर आप भगवान की गतिविधियों को देख सकते हैं। ये तो सच है कि इतना खूबसूरत संसार जो भगवान ने बनाया है वो तभी बना सकते हैं जब उनकी सोच, उनकी कल्पना शक्ति साकार होगी। निराकार आदमी तो शून्य बना देगा, सिर्फ निराकार अगर भगवान होता तो पूरी पृथ्वी को शून्य बना देते। इसलिए जिसका विजन साकार में होगा, अगर मैं चित्रकार हूं तो चित्रकार मैं तभी बन सकता हूं जब मेरे ब्रेन के अंदर चित्रकारता के बीज होंगे। और अगर कोई निराकार अगर कोई चित्रकार होगा तो चित्र बना ही नहीं सकता। कुछ लोग बोलते हैं कि वेद पढ़िए, वेदों में लिखा है कि भगवान निराकार है। मैंने कहा ना, अनुवादक की अपनी सोच होती है। वो अनुवादक जो होता है वेदों का, वो एक ही चीज को अलग अलग तरीके से अनुवाद कर देता है। एक आलू की सब्जी को आप 20, 50, 100 तरीके से बना सकते हैं। हर घर में एक आलू की सब्जी बनती है लेकिन उसका स्वाद हर घर में अलग होता है। ऐसे वेद का मंत्र है, उसका अनुवादक अलग अलग हो सकता है, उसका अनुभव अलग अलग हो सकता है, वेदाचार्य का अनुभव अलग अलग हो सकता है, मेरा अनुभव अलग हो सकता है। लेकिन मेरा अनुभव तो यही कहता है कि अगर भगवान की, ब्रह्मा जी की आयु निश्चित है और विष्णु जी की आयु निश्चित है, वो तभी आयु निश्चित होती है जब वो साकार रूप में होते हैं। निराकार रूप में तो आयु हो ही नहीं सकती, उनकी कैलकुलेशन हो ही नहीं सकती। इसलिए मित्रों, हमारे जो भगवान होते हैं वो साकार रूप में है। उनको दर्शन करना चाहते हैं तो मैंने कहा कण कण में भगवान है, वो दर्शन आपको दे सकते हैं। कण कण में तभी भगवान दिखाई देते हैं जब आप उस कण की सोच को समझते हैं। यानी अगर आप कण में घुसना जानते हैं, आप वायु में रमण करना जानते हैं, आप आकाश में रमण करना चाहते हैं, तो भगवान को देख सकते हैं ना। तभी तो बोला है ना कण कण में भगवान। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।